अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआओं की वजह से आज हम लोग सब अच्छे हैं। तो ये मैं ऑफिस से छूट कर छोटी मोटी ग्रोसरी का सामान लेना था, तो मैं हमारे ऑफिस के बाजू में जो स्टार मॉल है मैं वहाँ चली गई। जिस कुछ खास नहीं लेना था, राशन ले चुकी थी, बट थोड़ा बहुत सामान जैसे मोबाइल अंदर बटाटा वगैरह, तो वहाँ चली गई क्योंकि अनुष्का की डैडी को आने को थोड़ा टाइम था। तो मैंने बोला धूप में खड़े रहने से अच्छा है कि बाज़ार ही कर लिया जाए, तो इसके साथ मैं बाज़ार चली गई थी। अंदर मुझे जो जो दिखा, ये सब एक्स्ट्रा सामान खरीदा, सिर्फ मुझे खरीदना था कांदा और बटाटा, बाकी और किसी चीज़ की नीड नहीं थी, और टमाटर। पर मैंने फिर भी गई और जाकर दो चार आइटम एक्स्ट्रा लेकर आ गई। मतलब ऐसा होता है ना, हम जब मार्केट जाते हैं ना, तो जब सामान को सामने कोई चीज़ दिखती है ना, तो दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कि हम इसका ये बना सकते हैं, हम उसका वो बना सकते हैं। तो इस वजह से बाज़ार जाना चाहिए। जब बाज़ार जाओगे ना, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या खरीद सकते हो और क्या बना सकते हो। तो मुझे तो बहुत सारे आइडियाज़ है, एक ही दिन की बाज़ार में मैंने 3-4 दिन का आइडियाज़ कैप्चर कर लिए थे कि मैंने शिमला मिर्ची भी ले ली थी, मैं शिमला मिर्ची की स्टफिंग बनाऊंगी, मैंने पालक ले लिए थे, पालक के भजे बनाऊंगी, मैंने शेवपुड़ी ले ली थी, मैं शेवपुड़ी बनाऊंगी। मीन्स ऐसे 2-4 आइटम्स, मिल्क शेक बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी ऐसा वैसा, फिर चिकन नगेट्स ले लिए। ऐसा होने से, बाज़ार जाने से मैंने ये लेसन लिया है कि जब आप मार्केट जाते हो, खुद बाज़ार करते हो, तो आपको आइडियाज़ आते हैं डिशेज़ के लिए। वरना हम किसी से घर में बैठ के सोचे और फिर सामान मंगाए, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग वेस्ट करना पड़ता है। ये मेरी सोच है, आप पता नहीं आप लोगों की सोच कैसी होगी, पर मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है। जब भी मेरा दिमाग ख़त्म हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं बाज़ार चली जाती हूँ। बाज़ार में जब सामान मुझे सामने दिखते, तो मैं आइडियाज़ मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। देखते देखते देखिए, प्यारा रमज़ान का महीना भी हाथों से चला जा रहा है। रोज़े कहाँ, कब रमज़ान, अभी रमज़ान शुरू हुए थे और ये लोग अभी नज़दीक आ गई है। मेरे ब्लॉग्स इतने दिन से पेंडिंग पड़े थे, पर डालना नहीं हो रहा था, पर आज चांद रख के एक लास्ट ब्लॉग डाल ही देती हूँ। मैंने इसमें दो ओकेशन को मिक्स करके डाला है। सेकंड वाला जो है उसमें मैंने शूट नहीं किया है, वो अनम नशरा ने शूट किया था, जो भी रेंडमली शूट किया था, छोटा मोटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, मैंने वो ऐड कर दिया। उस दिन हमारे वहाँ पे इफ्तार पार्टी थी, उन्होंने वॉइस ओवर भी डाला है, जो भी है, पर ठीक है, जो भी है अच्छा है, ऐसा नहीं है, उन्होंने जो भी एफर्ट किया अच्छा किया। मैं यहाँ पर वेजिटेबल्स, कांदा भाजी भी ढूंढ रही थी, पर मुझे कांदा भाजी मिला नहीं, तो मैंने जो मुझे दिखा वो मैंने ले लिया। तो इसी तरह से मेरी छोटी सी ग्रोसरी का बाज़ार हो गया। जो भी मुझे दिखा, मैंने छोटा सा सामान, थोड़ा बहुत सामान ले लिया, और उसके बाद मैं घर चली गई। घर पर जाने के बाद फिर मैंने फटाफट कुकिंग, आज क्या बनेगा, अच्छा आज ये बनेगा, तो उसकी तैयारी की। फिर असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर टोटली टाइम ऐसा होता है ना, जब 1 घंटा बचता है तो एकदम हाई मारी हो जाती, तो फिर मैंने उसके बाद शूट नहीं किया। उसके बाद मैंने बस फटाफट इफ्तारी बनाई और फिर प्लेटिंग की, और फिर इफ्तार के लिए हम बैठ गए। फिर इफ्तार के बाद तो इतनी हालत डाउन हो जाती है जिसका कोई हद नहीं। इस बार इतनी वीक हालत डाउन हो रही है कि मैंने शॉपिंग वीडियो भी नहीं बनाया। मीन्स हुआ थी ना, मैं शॉपिंग पे भी इतने दो जान पर गई हूँ कि इसे जानना है ज़रूरी है, बाज़ार लेना है ज़रूरी है, इसलिए गई है, शौक़ से नहीं, पहले के जैसा नहीं कि नाच नाच के शौक से जाए करे, ऐसा कुछ भी नहीं था इस बार सीन। इस बार क्या मतलब वीकनेस बहुत थी या फिर पता नहीं जो भी था, पर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे गए। रोज़े में एहसास हुआ, जो रोज़ों का एहसास ना हो, रोज़े रोज़े नहीं होते, वो तो फाका होता है, पर मुझे इस पर रोज़ों का एहसास हुआ। पर जब आज अब रमज़ान जा रहे हैं, ये वीडियो पहले किए, पर मैं वॉइस ओवर आज डाल रही हूँ लास्ट डे, पर अब रमज़ान जब जा रहे हैं तो इतना बुरा लग रहा है, दिल को ऐसा लग रहा है कि अरे कुछ दिन और ठहर जाते, कुछ दिन और इबादतों के मिल जाते, थोड़ा और हम ज़्यादा इबादत कर सकते, अल्लाह को और मना सकते, पर ये अनमोल दिन कुछ ही दिनों के लिए थे और वो आज ख़त्म हो रहा है। बाय द वे, वैसे तो हमारा ब्लॉग ख़त्म होने का आया है। इसके बाद फिर मैंने बोला ना, मैं घर पहुंच गई, घर पहुंचकर मैंने सब सामान ठिकाने लगाया। अब सामानों को देखकर फिर डिसाइड किया कि क्या बनेगा। फाइनली मैंने डिसाइड किया था शायद शेवपूड़ी और पिज़्ज़ा बनाने के लिए। उसके लिए मैंने आलू बॉईल किए और पहले असर की नमाज़ पढ़ना चाहा, तो मैंने बोला थोड़ा सा प्रिपरेशन करती हूँ और फिर असर की नमाज़ पढ़ के चली जाती हूँ।
ये मैं बता रही थी कि मैंने मेरे सारा सामान आ चुका है, अब मैं जाऊँगी और कुकिंग करूँगी। मेरे उस दिन सोचा था कि कुकिंग का भी वीडियो बनाऊँगी, बट नहीं बना पाई। पर उसके बाद अगले दिन मैंने चिकन गार्लिक वगैरह कुछ बनाया था, तो उसका शूट ली थी पर डाली नहीं। ये मेरे आने से पहले घर पर किसी ने भेजा था दूधी का हलवा, तो मैं सोची थी स्ट्रॉबेरी और दूधी को मिला के कुछ करूँ क्या। फिर बाद में मैंने बोला नहीं आयशा, ज़्यादा क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आलू उबालो और शेव पूरी बनाओ। एक्चुअली ये रमज़ान में ना पूरा रमज़ान नजीम जी बाहर से भी कुछ ना कुछ लेकर आ ही जाते। मैं एक आध आइटम बनाती हूँ, नजीम जी एक दो आइटम बाहर के लाई रहे, डिफरेंट। तो वैरायटी ऑफ इफ्तार में बहुत सारी वैरायटीज़ हो जाती है। मीन्स हर बार के ऐसा मैंने इतना सारा छः सात डिशेज़ नहीं बनाए इस बार। देखिए मेरी खिड़की से व्यू असर और मगरिब के बीच का, तो आज हम लोग के घर पे है इफ्तार पार्टी है। मेरे मम्मी शेक बना रहे हैं, यहाँ पे सालन मिल रहा है और पता नहीं क्या मिला है, यहाँ पे मेरी दादी आलू काट रहे है ना दादी, और आप बोलो क्या काट रहे हो? आलू कांदा। ये ना बहुत उछल रही है क्योंकि रोजा लग रहा है। यहाँ पे मेरी नानी बैठे है, ये आज का व्यू बहुत अच्छा है। ये है ना जहाँ जा रही हूँ मैं, यहाँ पे अभी तक इफ्तारी मिल रही है, बस अभी बाद में फ्रूट व्रूट खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं वीडियो बना दी, तो आज मैंने सीध करके मेरी मम्मी से बोली कि आज मैं हटे बनाऊंगी। ये बार में मेरी गाइस हम लोग की इफ्तारी पक चुकी मन चुकी है, अभी ये बाहर तो लोगों को निकले। अभी प्लेट मेरी दादी तैयार कर रहे हैं ना दादी, हाय करो। हाँ बोले ना, हाँ हाय करो पहले। हाँ ये हम लोग ने इफ्तारी है ना, चल यहाँ पे मेरी मम्मी ने और कुछ चला है। ये अच्छा हाँ, मेरी शाइना मासी क्या बना रहे हो? शाइना मासी क्या बना रहे हो? नींबू पानी है ना? नहीं फलूदा है ना, ये हम लोग काम पर आप अगर मेरे शहर माते का एक बार फलूदा पियेंगे ना तो पीते रह जाएंगे, सच्ची बोल रही हूँ। हम लोग के घर में जब भी कोई वो होती है क्या बोलते है दावत, तो उन्हीं शरबत बनाते हैं ना शाइना मासी। कुछ बोल रही नहीं है शाइना मासी, कान तक का पेट आ रही है। ये है ना पपैया डालती हुई प्लेट्स में, एक उसमें तो दाल बिचारे में एक एक भजिया डालते, एक एक बहुत अरे दो दो अरे एक उसमें एक दाल नाम कहाँ है। अच्छा ये लो खुद तो कंफ्यूज हो जाए, हम लोग को कंफ्यूज कर रही है। हाँ चल हम लोग ही नाम इसको चल ही नाम ये भी दे दी ना हमारे ये नाम ही नाम इसको दे रही हम लोग के ट्यूशन टीचर को। अरे ऐसा तो बात गाइस, ये है ना सब हमारे घर वालों के, अभी बाहर वालों का बहुत हुआ, बाहर वालों का लाड़ खत्म, अभी हम घर वालों का। तो है ना सबकी प्लेटों में एक एक खजूर लग रही है। ये ढक्कन हट किचन में लेकर जाना, इस ढक्कन का क्या काम है? यहाँ पे खजूर लग अनाम, यहाँ पे खजूर लग चार एक प्लेट में बस ना। अपुन बच्चे भी इंसान है, अपुन बच्चों को तो पूरा खत्म करना है। वो तरबूज का बाज है क्या? प्लेट आना दे वो तरबूज। वो तरबूज नहीं कलिंग खड़े तरबूज आता है, तरबूज हां ए अंजू को फोन कर। हां रुको अभी तक इनका फ्रूट काटना नहीं हुआ, अभी हम लोग साथ कितना अच्छे सरप्राइज हुए। अभी एक और ना एक प्लेट बात
आखिर भजिया ही खत्म। अब क्या करें, फिर हमने और आलू के बोले, आलू के भजिए के आने के लिए ना कांदा में कांदा भजिए डाल सबको, कांदा भजिए डाल तो दो डाल। क्या सामने का क्या है इसमें, ये तीन डालिए डालेंगे। रुको सर, हम लोग मेट्रो ट्रेन नहीं चल रहे, निकल रहे यहाँ से, जल्दी कर। कौन आया अभी, हम लोग के मामा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग के मामा आ गए। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ब्लॉग बना रही है क्या? हाँ यार, पूरी दुनिया कहीं अलग और ये कहीं अलग। फोन लग से इफ्तारी का टाइम हो रहा है, और आलू के भच्चे निकालता का भच्चिया। ये आलिया पार्टम पार्टी कर रही है ना आली। और कौन आया? अब तक मेरे डैडी लोग आए नहीं, पता नहीं क्यों। ये ए दादी अल्लाह, अब सब पहले से बता चुके हैं। देखो हुई क्या? जब ना मैंने सारे ग्लास में सबके प्लेटों के बाजू बाजू इसमें चना डाला। हाँ शायद अपन 10 है। ये तो दुनिया से अलग, बस फोन लेकर बैठी है। ये नहीं कि मदद कर दूँ। और ये तो मेरी मम्मा बस इफ्तारी बनाने में ही लगे। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, डेढ़ अभी तक आया नहीं। हर जगह पूरी प्लेट भर चुकी है, और ये यहाँ पर सब लोग प्लेट भरा रहे जा रहे हैं, और मेरे मम्मी यहाँ पर बना रहे जा रहे हैं। और ये तो बस इधर उधर घूम रही है, और इनको फोन देखने से फुर्सत मिले तो ये कुछ करे। तो सुनाई नहीं देने वाला। हॉल में कंगा किसी भी मामा ना आते साथ हम लोग को काम पे लगा देते। ये लो वाह नशा, कैसे रख रहे, अच्छे से रख जरा। नंदी को कॉल कर, कहाँ रह गए? तो मासे को लगा, तू लगा ले लो मेरे फोन से लगा। बस कर बस। नहीं बाहर के आइटम मैंने बाकी है, एक एक करके भाई जान अभी तक आए नहीं। ये है जो जंग लड़ी जा रही है बाहर, क्या हो रहा? अरे बस कर ना नशरा, अरे पेट में दुखी का हमारे। मैं एक एक करके सारी प्लेटें बता रही हूँ। दस दस बार भी सुने। नहीं मैं सब एक एक करके पूरी ऐसे प्लेट ले रही हूँ। ओह ये जूली आंटी का भी आ गया। नींबू रखे ऐसा क्या रखूँ? अभी दूसरी प्लेट में निकाल। ऐसे हो यार, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी ज्यादा था। मैं बहुत बिजी हूँ। ओ
सॉरी मैं शॉर्ट करती हुई। हाँ दीदी कहाँ गए थे खेलने? हाँ अबे बोलने का नहीं देता है। ये मेरे नानी ने हैरान इतना सब कुछ देखकर, और अब तो किसका हाथ से फोन छोटा नहीं है ना रिया, अब आकर इसने ले ली मोटी मोटा फालू में। ये मेरी डैडी, ये मेरे मामा। ये मेरे नानी घर पे चालू है वो आज संडे के काम भी था दुबई के फैन रोके। हाँ रोजा खुला ही तो अपना इरम का बर्थडे ना। ए सबकी क्लासों में एक थी दाल शरबत दादू शायरा मासी। चलो 54 हो गए। अजान क्यों नहीं हो रही है? बस करो ये।